प्रबंधन 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 कला मूल्य का जो मुद्दा है, मतलब संगीत और कला दोनों के माध्यम से हम उपयोगिता मूल्य पैदा कर रहे हैं, तो एक तो ये बात हर उपयोगिता को सुरक्षित करना, नंबर एक, सुविधाजनक बनाना, दो भाग है इसमें, जैसा यही चीज है, हाँ, सुरक्षित होना और सुविधाजनक होना, जो उसको हैंडल करने में सुविधाजनक होना, यही सुंदरता मूल्य है। तो उसको उपयोग करने में सुविधाजनक हो, वो सुरक्षित भी हो, इसी अर्थ में सुंदरता मूल्य। अभी आप, हम आपको भी देख लीजिए, हम कपड़ा पहने हैं, यह हमारा सुरक्षा का अर्थ भी है, सुंदरता का अर्थ भी है, सुविधा का भी अर्थ, यही अर्थ में सब जगह में बनता है, यही सुविधा सुरक्षा के अर्थ में परिभाषित, हाँ, सुंदरता यह दो अर्थ में आता है, कला मूल्य की जितने भी बात आता है इसी अर्थ में आता है। अभी देखिए, इसको जिस ढंग से इसको उपयोग करने की तरीका को सुविधाजनक बनाया है, यह सब सुंदरता मूल्य के अर्थ में ही आता है, इसमें वो यंत्र सुरक्षा निहित है। प्रबंधन का क्या मतलब है? प्रबंधन का मतलब यह होता है, कोई भी हम व्यवस्था को, है ना, हम अच्छी तरह से प्रबोधित कर सके, उसको प्रमाणित कर सके, इन दोनों कार्य जिनके पास है उसका नाम है प्रबंधन। हम प्रबोधन भी करते हैं और क्या करते हैं, हाँ, प्रमाणित करते हैं, इसलिए हम प्रबंध, इसका नाम है, मैंने प्रबोधन भी और प्रमाणीकरण भी, दोनों मिलने से इसका नाम है प्रबंधन। प्रमाणित करना बहुत जरूरी है, प्रबोधित करना भी बहुत जरूरी है। हम प्रबोधित नहीं करेंगे, प्रबंधन करेंगे, झूठ, महाझूठ। हम प्रबंधन करेंगे, प्रबोधित नहीं करेंगे, ये भी झूठ। हम प्रबोधित करेंगे, प्रबंधन नहीं करेंगे, ये भी झूठ। प्रमाणित नहीं करेंगे, ये भी महाझूठ। प्रमाणित करेंगे, हम प्रबोधन नहीं करेंगे, ये भी महाझूठ। हम प्रमाणित करने के साथ प्रबोधन रहता ही है, प्रबोधन के साथ प्रमाण रहना आवश्यक है। इस ढंग से प्रबोधन और प्रमाण का संयुक्त रूप का नाम है प्रबंधन।